गधा और कुत्ता। एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। गधा रोज नदी से कपड़े लाद के लाता था और कुत्ता रात भर पहरा देता था। दोनों अस्तबल में सोते थे। एक रात को चोर घर में घुसा तो कुत्ता भौंका नहीं। यह देखकर गधे ने कुत्ते से कहा, मित्र तुम भौंक कर मालिक को क्यों नहीं जगा देते? तब कुत्ते ने उत्तर दिया, तुम अपना काम करो, इससे पहले मैंने कभी चोर को घुसने नहीं दिया, परंतु आज मेरे मालिक ने ना तो मुझे अच्छा भोजन दिया और मेरी पिटाई भी कर दी। यह सुनकर गधा गुस्सा होकर बोला, अरे दुष्ट, तुम अपने मालिक के बारे में यह सोचते हो? मैं तो अपने मालिक को जगाऊंगा और चोरी से उसे बचाऊंगा। फिर गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे चोर भाग गया। मालिक उठा और गुस्से से गधे को पीट दिया, क्योंकि गधे के चिल्लाने के कारण उसकी नींद खराब हो गई थी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। किसी ने कहा भी है, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, यानी उपदेश उसे ही देने चाहिए जिसको अच्छे लगे, राय उसे ही देनी चाहिए जो हमारी राय को सुने और माने।